इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की तमाम क्यादत आज जलसे की इजाजत ना मिलने पर तोहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने के लिए यहाँ पे पहुंची है। ये मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर, अली मोहम्मद खान, तहरीक इंसाफ की मुकम्मल क्यादत यहाँ पहुंची है और उन्होंने तोहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। अब ये दरख्वास्त फिक्स होती है या नहीं ये तो देखना बाकी होगा, लेकिन अभी तहरीक इंसाफ की मुकम्मल क्यादत आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में दिखाई देगी और हम यहाँ बात करने की भी कोशिश करेंगे कि अगर आज जलसे की इजाज़त नहीं मिलती तहरीक इंसाफ को तो फिर क्या लाहे अमल होगा तहरीक इंसाफ का और उनकी क्यादत का। सर, अगर जलसे की इजाज़त नहीं मिलती तो जो लोग आपके रस्तों में कारकुनान पहुँच रहे हैं उनको क्या फिर लाहे अमल देंगे? अभी पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करेगी ना कि वो क्या उसके बारे में, अभी आधा घंटा वेट कर ले। आप समझ रहे हैं ये दरख्वास्त आपकी आज फिक्स हो जाएगी जो आपने दायर की है? ओपरी उम्मीद तो है इंशाल्लाह। ये असद कैसर साहब हैं और तहरीक इंसाफ की मुकम्मल क्यादत अब यहाँ से रवाना हो रही है। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी चलते चलते जानेंगे कि अगर ये सर आपने दरख्वास्त दायर की है और अगर ये जलसे की इजाज़त इंतजामी की तरफ से नहीं मिलती फिर भी जलसा होगा? अभी फैसला नहीं, अभी हम पॉलिटिकल कमेटी में ये फैसला करेंगे। सर, अगर कमेटी फैसला करती है कि जलसे को होल्ड किया जाए, जो कारकुनान रास्ते में है या जो तैयारियाँ हैं वो फिर वो भी होल्ड कर ली जाएंगी, इनको वापस जाने कॉल दी जाएगी? पॉलिटिकल कमेटी के फैसलों का इंतजार करें, जो भी लाए अमल होगा वो उसी पे नजर आ जाएगा। सर, ये बताइएगा कि अगर इंतजामिया की तरफ से इजाजत नहीं मिलती जो अभी दरखास्त फिक्स नहीं हुई तो फिर तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास बुला के जो लोग आपके कारकुनान रास्तों में है, जो तैयारियां हैं, अभी मिस्टर गौर साहब ने कहा कि हम होल्ड कर सकते हैं जलसे को या होगा, क्या आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की है, इजाज़त की तो बात ही नहीं, इजाज़त तो हमें पहले ही हाई कोर्ट से मिल गई है। अब बेसिकली ये है कि हाई कोर्ट के हुक्म की अमल दरामद कराना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, वो हम सवाल लेके इधर आए हैं। बेसिकली जो कमिश्नर ने रात को ऑर्डर पास किया वो इलीगल ऑर्डर है, उसकी कोई बेसिस नहीं है, तो उसने बेसिकली तोहीन अदालत की है, वो उसको हाईलाइट किया। और तोहीन अदालत, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा तोहीन मुरतब करने वाले और अदालत के दरमियान होता है, तो अदालत इसका खुद भी नोटिस ले सकती है। अगर आज एडमिनिस्ट्रेटिव हिकअप्स की वजह से हमारी पटिशन नहीं टेकअप कर रहे हैं तो ऑनरेबल जस्टिस बाबा सत्तार साहब, क्योंकि उनका अपना ऑर्डर है, उनके ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, तो वो इसका खुद नोटिस ले सकते हैं। आप समझते हैं जलसा होना चाहिए, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ जलसे को होल्ड करती है तो आपके कारकुनान में मायूसी होगी? नहीं, जलसा होल्ड करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो तब मायूसी होगी कारकुनान में, क्योंकि कारकुनान अब कमिट कर चुके हैं। देखिए, कल रात से इतनी मैसिव मोबिलाइजेशन होगी, स्टेज पर पीछे हटना पॉलिटिकली एडवाइजेबल नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।